यार देखो, कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना जरूरी है। चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो या बीकॉम ऑनर्स के हो या बीबीए के हो या कोई भी आप ऐसा कोर्स करो जिसके अंदर कंपनी लॉ एक सब्जेक्ट है, तो आज मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करेंगे। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए कंपनी लॉ के शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं जो कि आपके सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, आपकी क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, आप कहीं भी इनको पढ़ सकते हो, मेट्रो में, घर में, कॉलेज में, कहीं भी आप लोग जा रहे हो तो इन नोट्स को पढ़ सकते हो। पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको नोट्स दूंगा, एक ही बार में आप लोग की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए और सारे के सारे इसमें टॉपिक्स को इंक्लूड करा गया है शॉर्ट में नोट्स। आप लोग एक बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको कंपनी लॉ के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा और नॉमिनल सा प्राइस है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं 8800797331 पे। एक नॉर्मल मैं आपको बर्गर या पिज्जा के प्राइस में आपको एक पूरे के पूरे नोट दे रहा हूँ जिससे आपका कंपनी लॉ का स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8800797331 पे। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोग के एग्जाम के लिए वो है बच्चों डिफाइन कंपनी। कंपनी क्या होती है वो आपको बताना है और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपको बताने हैं। ठीक है, जो मैं आपको नोट्स की बात कर रहा था उसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखा है कि कंपनी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी के, इन सब के आंसर आपको उस नोट्स के अंदर भी मिल जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों शॉर्ट नोट ऑन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है कई बार, चाहे वो डीयू है, एसओएल है डीयू का या फिर इग्नू है, यूजली ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, आपको बताना है कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है, पूरा का पूरा आपको फॉर्मेशन बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है आपको बताना है। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस स्टेटमेंट्स क्या होती है प्रोस्पेक्टस के अंदर, मिस स्टेटमेंट्स क्या होती है और इसके क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इससे इफेक्ट पड़ सकता है वो आपको बताना होता है। एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अ शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में क्या डिफरेंस होता है आपको बताना है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरम क्या होता है, कोरम के बारे में आपको बताना है। ठीक है, टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेचुटरी प्रोविजन पे आपको बेसिकली क्वेश्चन आता है ये कि स्टेचुटरी प्रोविजन होते क्या है और एजीएम में इसको यानी एनुअल जनरल मीटिंग में कैसे इसको डिसाइड किया जाता है और किस तरह के बिजनेस ट्रांजेक्शन को इन मीटिंग में इंक्लूड किया जाता है। 11th क्वेश्चन है स्टेट द क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर फॉर अपॉइंटमेंट, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है, क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है एक डायरेक्टर के लिए। ठीक है, 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैन द डायरेक्टर्स बी रिमूव ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस, क्या डायरेक्टर्स को टर्म ऑफ सर्विस में रिमूव कर दिया जाता है और अगर येस है इसका आंसर तो आपको बताना है इसका रीजन क्या है। 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर में आपको डिफरेंशिएट करना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, ईजीएम के बारे में बताना है आपको, हु कैन कॉल दिस मीटिंग ये भी बताना है आपको, कौन इस मीटिंग को कॉल कर सकता है, समझे मेरी बात को। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विसिल ब्लोइंग के ऊपर आपको बताना है कि विसिल ब्लोअर क्या होता है, विसिल ब्लोइंग से होता क्या है, क्या इंपैक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर, सब चीज आपको बतानी है, ये लीगल है या इलीगल है, सब चीज आपको बतानी है, समझे मेरी बात को। तो 16 के 16 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है, नोट्स के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।